हेलो फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज टोनिसिटी। इस वीडियो में हम मेजरली चार टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टोनिसिटी, कि टोनिसिटी होता क्या है। सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टोनिसिटी, कि हम टोनिसिटी को कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। थर्ड टॉपिक है टेस्ट टू डिटरमाइन टोनिसिटी, कि टोनिसिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ करते हैं। फोर्थ टॉपिक है मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, टोनिसिटी एडजस्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ टोनिसिटी, चलिए जानते हैं टोनिसिटी होता क्या है। टोनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन सराउंडिंग अ सेल टू कॉज दैट सेल टू गेन और लूज वाटर। टोनिसिटी किसी सेल के आसपास के सॉल्यूशन की क्षमता है जो उस सेल को पानी लेने या निकालने पे मजबूर करता है। चलिए समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म सॉल्यूशन। रिमेंबर दैट अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करते हैं, उन दोनों के मिक्सचर से बनता है सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मेनली डिपेंड अपॉन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ सेकंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ टोनिसिटी। कंसंट्रेशन के बेस पे टोनिसिटी तीन तरीके की होती है। फर्स्ट टाइप इज हाइपरटोनिसिटी, सेकंड टाइप इज आइसोटोनिसिटी एंड थर्ड टाइप इज हाइपरटोनिसिटी। नाउ फर्स्ट हाइपरटोनिसिटी। अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। तो चलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल कॉजिंग श्रिंकनेस एंड रिंकल एज द वाटर लीव द सेल। जो सेल के अंदर का वाटर है वो सेल के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ 2% NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू ब्लड, मतलब अगर हम 2% NaCl का सॉल्यूशन बनाकर ब्लड में डालेंगे तो वो एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वर्क करेगा। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये सेल के अंदर से सारा वाटर निकल चुका है और ये श्रिंकनेस शो कर रहा है। तो चलिए सेकंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो है आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी इज ऑकर इन अ सेल व्हेन इट्स सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम एज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट सराउंडिंग द सेल। जब किसी सॉल्यूशन की सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर के सॉल्यूट कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए, तब उस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर, इन सॉल्यूशन का सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ना सेल में से पानी रिलीज होता है, ना ही सेल में पानी एब्जॉर्ब होता है। तो चलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू ब्लड, मतलब जब हम ब्लड में 0.9% NaCl का सॉल्यूशन डालते हैं तब वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की तरह एक्ट करता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ वाटर कोई मूवमेंट ना होने के कारण सेल का शेप एंड साइज सेम रहेगा। तो चलिए थर्ड क्लासिफिकेशन भी देख ही लेते हैं। थर्ड इज हाइपरटोनिसिटी। अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
is one that has a lower solute concentration outside the cell than inside. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर की सॉल्यूट कंसंट्रेशन से भी कम होती है। चलिए देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस सेल्स को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सेल विच लीड टू टर्जिडिटी ऑफ द सेल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वाटर सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से सेल स्वेल हो जाएंगे। जब आप किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वह स्वेल हो जाएगा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। सेल के अंदर पानी जाने की वजह से वह फूल चुका है। चलिए अब देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स को। If 0.45% NaCl solution is added to blood, इसका मतलब है जब हम 0.45% NaCl solution blood में डालते हैं तो वो as a hypotonic solution act करेगा। Now, third topic is method used to determine tonicity. यहाँ हमारे पास tonicity determine करने के दो methods हैं। पहला मेथड है हीमोलिटिक मेथड एंड दूसरा मेथड है क्रायोस्कोपिक मेथड। चलिए एक एक करके दोनों मेथड्स को समझते हैं। फर्स्ट इज हीमोलिटिक मेथड। इन दिस मेथड रेड ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन टेस्ट सॉल्यूशन ए एंड स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बी एंड ऑब्जर्व्ड द अपेयरेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। हीमोलिटिक मेथड में हम दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशंस लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ए में हम टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं जो कि पूरा अनोन है और टेस्ट ट्यूब बी में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी दोनों ही सॉल्यूशन में रेड ब्लड सेल्स डाले जाते हैं और फिर टेस्ट सॉल्यूशन के आरबीसीज की शेप एंड साइज को आइसोटोनिक सॉल्यूशन की आरबीसीज की शेप एंड साइज से कंपेयर करा जाता है। चलिए देखते हैं अगर टेस्ट सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो क्या होगा, अगर टेस्ट सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ तब क्या होगा और टेस्ट सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ तब क्या होगा। इफ टेस्ट सॉल्यूशन लीड टू टर्जिडिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स then standard isotonic solution, then the test solution regarded as hypotonic solution. अगर test solution के RBCs isotonic solution के RBCs के comparison में ज़्यादा turgid होंगे या swell होंगे तो हम उस test solution को as a hypotonic solution consider करेंगे। जैसा कि आप image में देख सकते हैं water absorb होने की वजह से cell swell हो चुके हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट सॉल्यूशन को एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। इफ टेस्ट सॉल्यूशन लीड टू श्रिंकिंग एंड रिंकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स देन स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन देन द टेस्ट सॉल्यूशन रिगार्डेड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर टेस्ट सॉल्यूशन के रेड ब्लड सेल्स में आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रेड ब्लड सेल्स से ज़्यादा रिंकलिंग हो जाए या श्रिंकिंग हो जाए तो उस केस में हम टेस्ट सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। जैसा कि आप सेकंड इमेज में देख सकते हैं जो टेस्ट सॉल्यूशन के जो सेल हैं उनके अंदर का वाटर रिलीज हो चुका है जिसकी वजह से वो श्रिंक हो चुके हैं। इस केस में टेस्ट सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। उम्मीद है इस मेथड को लेके आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। चलिए सेकंड मेथड भी देख ही लेते हैं। सेकंड मेथड है क्रायोस्कोपिक मेथड। आइसोटोनिसिटी वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर दिस पर्पस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड। इसका मतलब है किसी भी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम उसकी आइसोटोनिसिटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं।
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन एनी सब्सटेंस सच एज NaCl इज एडेड टू इट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। इसका मतलब है पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब भी हम उसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं जैसे कि NaCl, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड इज 0.52 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट जो ब्लड का होता है वो होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.9% NaCl सॉल्यूशन विच इज देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी आइसोटोनिक विद बोथ ब्लड एंड लैक्रिमल फ्लूइड। इसका मतलब है 0.9% NaCl सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो भी -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन मानते हैं ब्लड और लैक्रिमल फ्लूइड के साथ। क्रायोस्कोपिक मेथड में बेसिकली हम किसी भी अनोन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर मेज़र करेंगे, और अगर वो -0.52 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन मानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो है मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। मेथड्स ऑफ टोनिसिटी को बेसिकली हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कराया है। फर्स्ट इज क्लास 1 मेथड, सेकंड इज क्लास 2 मेथड। क्लास 1 को हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज क्रायोस्कोपिक मेथड, सेकंड इज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सिमिलरली क्लास 2 को भी हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज वाइट विंसेंट मेथड एंड सेकंड इज द स्प्राउल्स मेथड। चलिए आइए समझते हैं क्लास 1 मेथड को। NaCl और सम अदर सब्सटेंस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू -0.52 डिग्री सेल्सियस एंड दस मेक द सॉल्यूशन आइसोटोनिक। बेसिकली हम क्लास 1 मेथड में क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें हम NaCl ऐड कर देंगे। NaCl ऐड करने से उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन चाहिए होता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन का तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन मानेंगे। चलिए आ जाते हैं अब क्लास 2 मेथड पे। वाटर इज एडेड टू द ड्रग इन सफिशेंट अमाउंट टू मेक इट आइसोटोनिक, देन द प्रिपरेशन इज ब्रॉट टू फाइनल वॉल्यूम विद एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है जैसे कि हमें कभी ड्रग का आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले हम ड्रग और वाटर को मिक्स करके उसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना लेंगे। वॉल्यूम मेकअप करने के लिए हम उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन मिक्स कर देंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन हम उसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी वॉल्यूम मेकअप के दौरान टोनिसिटी चेंज ना हो। बेसिकली क्लास 2 मेथड में हम किसी भी सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें वाटर ऐड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। लाइक कमेंट एंड शेयर।